नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वन्दित पाद पद्मं लोके जरारु भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटम् चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यम शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् नमस्कार, आप सभी को क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का मैं आयुष दर्पण के इस मंच पर वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रवि कुमार सिंह जी बनारस से सर्जन हैं, लक्ष्मी मौर्य जी, मंगला मोहत जी, विकास जी, प्रभात पांडे जी, बंसल जी, राजकिशोर सिंह जी, जितेंद्र वर्मा जी, रनेश चंद्र जी, कुलभ सिंह जी, शशि तिवारी जी, वर्षा कौशिक जी, सुंदरलाल थपलियाल जी, आप सभी जो है वो क्लिनिकल आयुर्वेद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए वैद्य हैं। आप सभी का बहुत अच्छा, सज्जन सिंह जी बहुत बढ़िया। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर इन पुरानी संभाषाओं को भी देख सकते हैं। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा का एक बैच है, CAS X429, उसका बैच कोड है। उस पर आपको सारे रिकॉर्डिंग्स पिछले संभाषा के, जो पिछले एक साल से हम लोगों ने आप सभी की साथ मिलकर के सफलतापूर्वक, तकरीबन 1.25 साल होने जा रहा है इसका, और 1 साल से ऊपर के समय में हमने इसको नियमित रूप से ऑर्गेनाइज किया है। ये वैद्यों के लिए एक बहुत बड़ा मंच है जिसमें वैद्य अपने अनुभव शेयर करते हैं, और साथ में बैठ के कोई छोटा और बड़ा नहीं है। सब यहाँ अपने अपने निसंकोच होकर के अपने अनुभवों को शेयर करते हैं और अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। तो ये हमारा एक प्रयास पिछले एक वर्ष से है, और ये सारे सेशंस यूट्यूब पर और फेसबुक पर कोई भी आके देख सकता है। हमने इसको प्रायः निःशुल्क रखा है, लेकिन हाँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको हमने, क्योंकि किसी भी सेशन को चलाने के लिए उसके पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होता है, तो इसीलिए हमने, और साथ साथ जो हमारी फैकल्टीज हैं वो मेहनत करती हैं, तो इसलिए हमने एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो लोग मार्च के ग्रुप में हैं वो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। गूगल फॉर्म आपको शेयर कर दिया जाएगा, यू कैन ज्वाइन थ्रू द गूगल फॉर्म, और आप अपनी संभाषा को प्रारंभ कर सकते हैं। मोनिका जी, फिलहाल मुझे लगता है कि वैद्य अरविंद पाठक जी तो अपना लेक्चर देने में व्यस्त हैं। आज मैंने ही उन्हें टॉपिक दिया था, क्योंकि मैंने देखा कि मैं एनालिटिक्स देखता हूं तो लोग ज़्यादातर आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर जो हैं वो क्लिनिकली बहुत काम की चीज़ें ढूंढते हैं, तो उनको कहाँ से कुछ फॉर्मूले मिल जाए। तो हमने आज कहा कि आप कुछ एक ऐसा लेक्चर लीजिए, तो आज बहुत अच्छे वहाँ पे देख रहा हूँ मैं, लोग देख रहे हैं फिलहाल, वो वहाँ पे मस्त हैं। तो मनिका जी, मैं आपको होस्ट बनाता हूं, और आप इस संभाषा को फिलहाल वैद्य जी के आने तक चालू करके रखिए, मैं आपको होस्ट बना देता हूं। मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैडम जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने होस्ट बना दिया। जी, प्रणाम सर। जी सर, मैं देख लेती हूँ सर। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। आइए हम सब मिलके संभाषण शुरू करते हैं।
किसी को भी अपना कोई सक्सेस स्टोरी अगर शेयर करनी हो तो कर सकते हैं। एक और बोलना चाहे तो याद है, रवि सर कैसे हैं आप? रवि सर कोई नहीं बोलता। प्रभात पांडा जी, डॉक्टर प्रभात पांडा जी, मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे। डॉक्टर शशि तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अनम्यूट नहीं है क्या? सॉरी मैम, मेरे को मैंने मैसेज नहीं देखा था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। होस्ट बना दीजिए, मेरे को होस्ट बना दीजिए। मैं अब जी, प्रणाम सर, आगे सर आप। जी सर, मैं बनाती हूँ। आप लोग को प्रणाम, नमस्ते। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मुझे दिल से खुशी होती है आप लोग मेरे साथ हैं, तो इतना अच्छा लगता है। आप लोग की तरक्की होती है, मतलब मेरी तरक्की हो रही है। मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग अभी देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है ये हमारा क्लिनिकल संभाषा का। तो आप लोग शुरू करिए। डॉक्टर शशि तिवारी जी का हैंड रेस दिख रहा है, सब लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? नहीं हो पा रहे तो मैं अभी करके देता हूँ। हाँ, अब अनम्यूट करके देखिए, आप लोग अनम्यूट हो पा रहे कि नहीं? अभी हो रहा है सर। हो रहा है सर। हाँ, तो पहले कौन बोलेगा? सबसे पहले हो रहा है, वो सो रहा है। हाँ, कौन सबसे पहले बोलेगा? डॉक्टर शशि तिवारी जी, आप कुछ बोलेंगी? हाँ जी सर, एक्चुअली मैम पूछ रहे थे आवाज आ रही है नहीं आ रही, तो चैट लिख रही थी, फिर मैंने इसलिए हैंड रेज किया कि देखे कि हाँ, मतलब म्यूटेड वाला आप एक बार सुनना चाह रहा हूँ। एक बार बोलिए, हैंड रेज बोलिए ना। हैंड रेज। हाँ, आपने रेज रेज बोला, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए ना, हैंड रेज। ठीक है, एक्चुअली मैं सर को बोलने वाली थी, नवीन जोशी सर चले गए, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है संस्कृत का उच्चारण बहुत मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब जब वो पढ़ते हैं तो लगता है हाँ, संस्कृत का ये लेवल होना चाहिए। मैं असली में आप लोगों को हंसते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे जोक सुनाता हूँ। जैसे वो सर बोलते हैं गोमूत्र, और वो ये मोनिका में बोलते सातम्य, साथ में होना चाहिए तो बोलते हैं सातम्य मुदगर। तो सर वो पंजाब की एसेंट की वजह से, पंजाब हरियाणा में ना मतलब आधा वर्ड नहीं बोलते ना। मैं असली में हंसाने के लिए बोलता हूँ आप लोगों को, मैं हंसता हुआ देखना चाहता हूँ आपको। अभी आपका मैं फेसबुक पर देख रही थी सर सेशन जी, बहुत अच्छा था। तो सर उसकी लिंक रोज क्यों नहीं आती ग्रुप में? अभी दिया ना, अब क्या है कि फेसबुक लाइव मैं कर रहा हूँ, तो मैं लिंक कैसे दूं उसका फोटो क्लिक करके? मैं नहीं दे सकता वो आपको। नहीं, जैसे कल भी था कि देखना है सर का, मतलब वो बनाना है, लेकिन जब लिंक ही नहीं आएगा तो फिर, क्योंकि नॉर्मली आप खोलो तो फिर नहीं हो पाता है, जब तक लिंक नहीं हो आप लाइव वाले पर नहीं जा सकते। सर से पूछे, नवीन जोशी सर को पूछे, मैं बस पढ़ाने आता हूँ, मुझे बाकी चीज नहीं आता, टेक्निकल चीजें। नमस्कार सर। अच्छा, उस और सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। ओके सर, और एक और फेसबुक पे जो सर्च करने का आता है उस पे आयुष दर्पण जनरल करके क्लिक कर दीजिए तो आपका लाइव सीधा आने लगता है सर, लिंक हो या ना। सर मैंने आयुष दर्पण को करके रखा है, सब्सक्राइब भी करके रखा है और देखती भी हूँ, लेकिन लाइव आने लगता है उस पर जैसे क्लिक करो। साइड में देखेंगी मैम ना, तो साइड में सारे बार बने होते हैं, उसमें आयुष दर्पण लाइव, आपका जो भी लाइव किए रहेंगी ना, जो भी सब्सक्राइब उस पर आएगा, जो भी लाइव चलता रहेगा। ओके, तो बल्कि उसमें एक ऑप्शन आता है कि 420 पे करके मतलब लाइव का है, वो मुझे
कंसेप्ट नहीं समझ में आता कि फेसबुक के सेशन के लिए भी पे करना है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो फ्री है ना? फ्री है, और यूट्यूब में भी फ्री है, पर सर उसमें आता है ऑप्शन। और मैम एक इवेंट वाला आता ना तो इंटरेस्टेड की आना था अपने को, उसका ये हो जाता क्या बोलते उसको, इंटीमेशन आ जाता है। अभी ये ना मेरे को टेक्निकल भाषा नहीं आती, मेरा तो सब इवेंट बनाना, ब्रोशर बनाना, ये सब जोशी सर करते हैं, वो इतना मेहनत है मेरे पीछे। अगर इवेंट इंटरेस्टेड किया है ना सर तो इंटीमेशन आ जाता है जी। आप मुझे बस पढ़ाने को बोले, मैं कब पढ़ाऊं? आप बोलिए कल से 4 बजे पढ़ाऊं क्या संहिता संस्कृत? आप बस सर एक बात बताओ, आप इतना जब जागोगे तो आपका भी तो हो जाएगा, आपको भी तो समय से सोना और उठना चाहिए। मेरे को भगवान की शक्ति से सब मिल जाता है, एनर्जी भगवान की शक्ति है मेरे साथ। ओके, क्योंकि अपने से तो नहीं हो पाता, सोने को चाहिए अच्छे से जी। सर आप जो समय रखेंगे हम उसी समय अटेंड कर लेंगे सर, आप अपनी कन्वीनियंस से रखिए जी। मैं चाहता हूँ आप लोगों को मैं टीका भी पढ़ाऊँ, चक्रपाणी की टीका, आयुर्वेद दीपिका, एक एक श्लोक, उसको समास और संधि ऐसे करके एक एक शब्द पढ़ाऊँ, मैं ये चाहता हूँ। मेरे गुरु लोगों ने पढ़ा है, बहुत मजा आता है उसमें। हाँ सर संस्कृत थोड़ी पढ़ा दो, क्योंकि कई बार मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं दुर्गा सप्तशती वगैरह पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है उसमें कहीं कहीं उच्चारण का प्रॉब्लम फंसती है। हाँ, मैं पढ़ा दूंगा। आज देखिए डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम आ गई हैं, कितना अच्छी मैडम है, ये दिल्ली में प्रैक्टिस करती है। शुक्ला मैम आपका स्वागत है। विनीता शुक्ला मैम सर नमस्ते, आप कहाँ थी? मेरे को तो आपकी बहुत याद आ रही थी एकदम, आप इतनी अच्छी है ना कि क्या बताएं। सर मैं भी मिस कर रही थी, बट थोड़ा बिजी थी, बट मैं फेसबुक से ज्वाइन कर लेती थी जी जी। तो आपका मैम का थैंक्स, कल हमारी रिक्वेस्ट मैडम ने वो कर ली। हाँ ये फेसबुक पे लिख रही थी तो मैंने इनको देख लिया, फिर हमने रिक्वेस्ट किया तो मैम आ गई। थैंक यू सो मच सर। शुक्ला मैम आपको एक्सपीरियंस बताइए, आपके वो पेशेंट का पूर्ण बस्ती से क्या फायदा हुआ? सर हाँ मैं उस पेशेंट का बताना चाह रही थी, उसका 4 तक पहुंच गया था ना उसका प्रोटीन, वो अब मैंने अभी कराया पीछे 1.4 पे आ गया है। अरे वाह, आपने क्या क्या दवाई दिया सबको बताइए, वो पूरा केस अच्छे से बताइए। सर अभी फिलहाल जो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मेरे पास पेशेंट आया था तो उसका काफी निदान में उसका दिवा स्वाप था, और 15-16 सालों से वो पेन किलर मेडिसिन से ले रहा था, और काफी खांसी रहती थी, उसका वेट भी था 5 फीट हाइट थी उसकी, 68 के करीब वेट था उसका। फिर मैंने उसका निदान प्रवचन काफी करा, और क्या बीमारी क्या था उनका मेन बीमारी सर? हाँ मेन प्रॉब्लम थी एक तो उसका शुगर की प्रॉब्लम आ रही थी, डायबिटीज उसके आ रही थी, उसमें 7.2 इसका HbA1c था, और साथ में सर एंकल पे स्वेलिंग काफी महीनों से थी, फेस पे भी अब उसको हल्की हल्की लगने लगी थी बॉडी ऐसे। तो उसका फिर क्रिएटिनिन लेवल और यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया उसका बढ़ गया था सर जी। तो फिर वो जब मेरे से कंसल्ट किया, वो फिर प्योर उन्होंने मॉडर्न की मेडिसिन खाई, उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत अनइजी रहने लगे, तो उन्होंने फिर मेरे से कंसल्ट किया। फिर तब से सर मैंने उनको सितंबर से स्टार्ट किया ट्रीटमेंट। हाँ, तो अब तो मार्च में महीने हो गए, काफी महीने हो गए खिलाते हुए मेडिसिन। तो सर मैंने उसमें सब प्रोसेस चलता रहा, आपसे भी बहुत हेल्प ली, और सर्वतोभद्र रस और गोक्षरादी गोकुल चंद प्रभा बटी और वर्णादि कषायम नीरी केफी। तो अभी पेशेंट को कैसा लग रहा है? शुक्ला मैम का आवाज नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। शुक्ला मैम का आवाज कट रहा है। शुक्ला मैम तब तक हम दूसरे से बात करते हैं, शुक्ला मैम ज्वाइन कर लेंगी, शायद आवाज नहीं आ रहा है। डॉक्टर प्रभात पांडा जी आप सुन पा रहे हैं क्या? जी सर। हाँ सर बताइए। जी बताइए सर, मेरा ही एक कंप्लेन है थोड़ा गाइड कर। मेरा लेफ्ट इलियक रीजन में थोड़ा माइल्ड पेन है 2 दिन। किसको? मैं मुझको सर, मेरा तो क्यों पेन हो रहा है सर? वेगावरोध किए थे क्या या चना और ना खाए थे आप? थोड़ा
दो चार दिन तो कंस्टिपेशन था सर, पर अभी तो ठीक है। नहीं या वजन उठाए थे, कुछ तो हुआ होगा, हेतु के बिना तो व्याधि नहीं होती है। शायद कंस्टेंट बैठता रहता हूँ, इससे हो सकता है। और बाकी तो आप रनिंग करिए ना सर, ठीक हो जाएगा। अच्छा। घृत पान करिए, एरंड तेल ले लीजिए रात को, और रनिंग करिए, ठीक हो जाएंगे। तो अभी और क्या ले सकता हूँ सर? बस्ती ले सकते हैं, बस्ती ले लेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा, शीरबला तेल का। या अनुलोमन कर दीजिए, एरंड तेल और शुंठी डाल के रात को, या एरंड तेल शुंठी और दूध के साथ मिक्स करके पी लीजिए, सब ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम, आपने मुझे मैसेज किया था कि कुछ अर्जेंट है, लेकिन मैं लेक्चर ले रहा था। हाँ जी सर, एक्चुअली एक पेशेंट है, उनको ना अभी अभी थोड़ा पैरालिसिस हुआ है, तो वो अभी मेरे पास ही इधर बैठे हैं, वो मैं उनको लेके आना चाहती हूँ। आप लाइए, लाइए। सिरोसिस के पेशेंट है। ठीक है, हाँ जी सर, एक मिनट। इनका मोनिका मैम केस टेकी करेंगी। असली में मैं लेक्चर ले सर आ गए। ठीक है, लाइए। हाँ जी सर, पेशेंट यही पर ही है। क्या है, मैं लेक्चर ले रहा था, मैं आपसे कैसे बात करता जी। मोनिका मैम इनका, जी हाँ जी सर, मोनिका मैम, अंजना मैम कोई केस टेकिंग करिए प्लीज। मोनिका मैम बहुत अच्छा केस टेकिंग करती हैं। अगर मैम खाना खा रही हैं तो कोई बात नहीं, कोई और केस टेकिंग करना चाहते? कंचन मैम आप खाना नहीं खा रही हैं तो केस टेकिंग करिए। या डॉक्टर पवन जी, अरविंद सक्सेना जी, आप केस टेकिंग करिए कृपया। सर मैं आज गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मैं सुनूंगा। सिरोसिस के पेशेंट है फ्रॉम द पास्ट 5 to 6 years, और अल्कोहलिक थे ये। ये बताओ अपने बारे में सारा कुछ डॉक्टर्स पूछेंगे। एक मिनट, केस टेकिंग करने के लिए कौन वैद्य आएंगे? अरविंद सक्सेना जी आप लेंगे क्या केस टेकिंग, या डॉक्टर? हाँ आप लीजिए सर। सर सर जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? रविंदर सर। आपको क्या क्या दिक्कत है सर? लिवर सिरोसिस के। नहीं आपको दिक्कत क्या है, आप अपनी दिक्कत बताइए। लिवर सिरोसिस नहीं, आपको क्या क्या दिक्कत होती है? इनके वाइफ बताते हैं, एक मिनट आप बात कीजिए। ये लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं, इनकी पूरी बॉडी में अब दर्दें रहती हैं, इनका खून कम हो जाता है, इनको प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और मतलब बॉडी में ना हर वक्त थकान बनी रहती है, किसी काम में इनका मन नहीं लगता, सो नहीं पाते रात को बिल्कुल। एक मिनट जरा उनको ही बताने दीजिए ना, उनको दिक्कत है वो बताएंगे ना, उनको बताने दीजिए उनको क्या क्या दिक्कत है। पेट फूलता है, गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता, ऐसी चीजें बताइए। सारा कुछ नहीं देते, बताओ सब कुछ बताओ। ये कह रहे हैं कि इनको बताने। सर मेरी आवाज की लड़नी आएगी इसलिए दी है। अच्छा ठीक है भाभी जी बताइए। पेट साफ नहीं आता है, बताओ। सर पेट साफ आ रहा है सर, पेट में कोई दिक्कत नहीं। सर इनके ना थोड़ा ब्रेन पे भी असर पड़ गया है, इनके वाइफ ही बता पाएंगे। सर इनके ब्रेन पे भी असर पड़ गया है, और इनका पेट मतलब काफी हद कम साफ होता है, दवाई देनी पड़ती है। पेट में पानी भी भर गया था पहले दवाइयों के जरिए। हाँ जी, इनको दिक्कत तब से शुरुआत हुई, पहले ये कब से शुरुआत हुई है दिक्कत? आपको बता रही है जो पेट में पानी भर गया, भूख नहीं लगती है, इससे कब से दिक्कत शुरू हुई है? ये तो सर अभी ये 2 साल से हुई थी सर। 2 साल पहले तो ये क्या ट्रीटमेंट चल रहा था, दवाई चल रही। किस चीज का इलाज चल रहा था सर? शुरू से ही ना इनका सोरेसिस की प्रॉब्लम थी, तो उसी का चल रहा था सर। सोरेसिस की प्रॉब्लम कब से थी सर? अब इनको 6 साल हो गया है। कहाँ कहाँ सोरेसिस है इनके? सर लीवर में ही है, सर लीवर में ही है, पेट में सिरोसिस बोलेंगे, सिरोसिस तो वो लीवर का दिक्कत है। तो अभी आपने बताया 2 साल से इलाज चला था, 2 साल के पहले से इनको क्या क्या दिक्कत थी, कैसे एकदम से मालूम पड़ा कि सिरोसिस था? क्या पेट में गैस वगैरह लगती थी, भूख नहीं लगती थी?
डॉक्टर साहब इनको लीवर की प्रॉब्लम तो काफी टाइम से है, इलाज भी तब से ही चल रहा है, बट ये ड्रिंक करते थे ना तो बीच में दवाई खाते थे फिर छोड़ देते थे, तो उस वजह से सर ड्रिंक तो इन्होंने बहुत साल की है, मैं इतना तो बता नहीं सकती। वैसे रोज करते थे और बीच में तो ऐसा हो गए थे ना कि सोते भी पीते थे, जागते भी पीते थे, वॉशरूम जाके आने के बाद भी पीते, इतनी हद तक पीते थे, 2-3 साल पहले की बात है ये, 2-3 साल पहले। और उसके पहले नहीं पीते थे, उसके पहले शुरुआत से बता रही आप, यार बता रही बहुत साल से। हाँ जी हाँ जी, बहुत साल से, लेकिन अभी बीच में 6 साल में ना इन्होंने बहुत ज्यादा करनी शुरू कर दी थी, पहले ये सुबह शाम जैसे पीते थे ना, ऑफिस के बाद पीते थे। अच्छा, फिर उसके बाद फिर ये जैसे इनके सेल कम हो जाते थे, जैसे इनको चक्कर आ जाता था, मतलब काफी हद तक ऐसी प्रॉब्लम आती थी, फिर जैसे हम टेस्ट वेस्ट कराते थे फिर उसमें धीरे धीरे पता लगा कि टेस्ट जो आप कराती थी उसके अलावा क्या पेट फूलता था, भूख कैसी लगती थी इनकी, वो सब बताइए ना, पेट पेट साफ होता था कि नहीं होता था? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, वो पेट साफ नहीं होता था, कब्ज बनी रहती थी, पर पहले इन्होंने हमें कभी इतना नहीं बताया, अभी हम इनको पूरा अच्छी तरह से डॉक्टर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमें 3-4 साल हो चुके हैं, तो मुझे अभी 3-4 साल के बीच में ही पता लगा है इनको भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। ये तो इतने पहले से आपको जब पी रहे थे तब आपको नहीं मालूम पड़ा था कि दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? सर नहीं, पहले एक्चुअली आपको पता ही है पीने वाले फिर सुनते भी तो नहीं है जी। लगभग कितने साल हो गए पीते हुए इनको? एकदम से तो सिरोसिस नहीं हुई होगी, उसके पहले सूजन आई होगी, उसके पहले कुछ और हुआ होगा, तो वो लगभग कितने साल हो गए उनको सर? हो गए इनको 15 साल तो जी। 15 साल के पहले नहीं पीते थे ये? नहीं सर, उससे पहले तो नहीं पीते थे। आपकी शादी को कितने साल हो गए? सर 25 साल हो गया, 27 साल हो गए। हाँ तो उसके शादी के 10-12 साल तक ये नहीं पिए जी? नहीं, पहले वैसे कभी फंक्शन में बियर वगैरह लेते थे, बट इतनी क्वांटिटी में कभी नहीं पीते थे। ये क्या काम करते हैं, ये इनका काम क्या रहता है? ये सर जैसे सफाई सेवक होते हैं ना, उनके एमसी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इंस्पेक्टर है। अच्छा, तो वो उसी वजह से खूब पीते होंगे है ना, 10 साल के बाद से है ना? जी जी जी। अच्छा, उसके बाद जब पीना शुरू हुआ तो इनकी भूख में क्या क्या फर्क आया, और क्या खाना इनका बड़ा कि कम हुआ, पेट फूलना शुरू हुआ या नहीं हुआ, ऐसी क्या दिक्कतें आपको महसूस हुई 10-12 साल के बाद? ऐसा मुझे कभी सर ऐसा कभी मुझे कुछ नहीं लगा, क्योंकि कंटिन्यू पीते थे तो ड्रिंक के साथ है, चिकन विकन ये वो खूब खाते पीते थे सर। अच्छा, तो अभी के बारे में तो देखो सर, जब आपने जांच कराई है सिरोसिस के लिए, अल्ट्रासाउंड कराया है, तो उसके पहले अभी 3 साल से क्या क्या इनको दिक्कतें बहुत ज्यादा परेशानी हुई जिसके लिए आप डॉक्टर के पास गई? सर मेन प्लेटलेट्स कम हो जाते थे। प्लेटलेट कम तो ब्लड टेस्ट से मालूम पड़ेगा, सिरोसिस कैसे मालूम पड़ा आपको? क्या डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया था, क्या दिक्कत हुई थी इस समय, क्या चक्कर आ रहा था? पेट में दर्द हुआ था, फेब्रो स्कैन कराई थी मैम ने। हाँ, पेट में दर्द कहाँ पे था, पूरे पेट में था, ऊपर की तरफ था, दाईं तरफ था, बाईं तरफ था, कुछ बता सकते हैं? ये तो मैम ही बताएंगे। हाँ जी हाँ जी सर। जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी हाँ जी सर, प्लेटलेट्स ना इनके कॉन्टिन्यूसली कम हो जाते थे, जैसे कभी 72 रह गए, फिर 62 रह गए, 48 तक चले जाते थे, इनके बहुत कम हो जाते थे प्लेटलेट्स। फिर मैंने इनका LFT कराया तो वो सारा रेज्ड आया, बिलीरुबिन लेवल वगैरह, तो मैंने ऑस्कल्टेट किया, मुझे लगा कि जैसे साइटस होता है इनको, फिर मैंने इनका फाइब्रोस्कैन उसमें आया था। मैम उसमें जो आपने लिवर फंक्शन टेस्ट कराया तो उसमें GGT वगैरह बहुत रेज था, सारा कुछ रेज था, बिलीरुबिन इनका 1.8 था जो स्टार्टिंग वाला था, मुझे अभी तक याद है, और बाकी SGOT SGPT सारे रेज थे इनके। नहीं कितने थाउजेंड्स की रेंज में, तो क्योंकि इसमें बिलीरुबिन रेंज नहीं होता। SGOT SGPT की रीडिंग आपको याद है कुछ? नहीं वो नहीं मेरे को याद है, पर फिर ये उसके बाद इनका PGI से भी ट्रीटमेंट चलता है, इनको बैंड्स भी पड़े, अभी इनको हर्निया भी है साथ में, अभी आपने बताया भी है इनको। हाँ, इनके साथ में पानी भी भरा, एसाइटिस भी है इनको, पोर्टल हाइपरटेंशन तो अभी भी है, और इनकी मेडिसिन बहुत सारी, तो इसके लिए इनकी डाइट चल रही है, शुगर। हाँ डाइट चल रही होगी बिल्कुल, शुगर भी है। हाँ जी सर, और फीवर आ जाता है, फीवर आ जाता सर अब इनको।
फीवर तो अब आ ही रहा होगा इस समय, लेकिन इसके साथ में ये पानी कितना है, एसाइटिस में पानी का फ्लूड कितना लेवल है? माइल्ड एसाइटिस है, माइल्ड एसाइटिस है इनका, और पोर्टल वेन इनकी 1.3 सेंटीमीटर है, माइल्डली डायलेटेड, पोर्टल हाइपरटेंशन, स्मॉल अम्बिलिकल हर्निया है, स्मॉल अम्बिलिकल हर्निया, हां जी, पोर्टल हाइपरटेंशन तो है इनको, क्या खुजली वगैरह, इनको बैंड्स पड़े थे इनको, स्किन में खुजली वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है साथ में, सर अभी तो पोटी ठीक आ रही है, अब वैसे बीच बीच में ब्लैक आ जाती थी, ठीक है। अभी ये खाना क्या खा रहे हैं इस समय, जो आप खाना दे रही है इस समय क्या दे रही है? दाल, फुलका, हरी सब्जी, सलाद। आप फुलका उलका ये खा ले रहे हैं, हजम कर ले रहे हैं फुलका उलका? हाँ जी सर, वो तो हजम हो रहा है, खाना तो खा रहे हैं ये, वो सब तो ठीक है, बस यही प्रॉब्लम है। नहीं, खाना खा तो ले रहे हैं, खाना हजम हो रहा है, भूख लग रही है या खाना हजम हो जा रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी, मांगते हैं खाने? हाँ जी सर, हजम तो हो रहा है खाना, हाँ जी खाने के लिए मांगते हैं, जैसे कि दिन में 3 बार तो खाते हैं, जैसे सुबह दोपहर शाम को, हम तीनों टाइम खाते हैं, दो दो खुल के। ठीक है, इनकी जो एलएसटी की रिपोर्ट चाहिए होगी वो आप ग्रुप में भेजिएगा, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट चाहिए होगी वो ग्रुप में भेजिएगा, और बाकी सब और लोग जो जिनको पूछना चाहे। सर ये तो कन्फर्म, हेलो हेलो मैम, मैं पूछ रहा हूँ, हेलो आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर आ रही है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। पवन जी का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, पवन जी नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपका, पवन जी एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करिए तो अच्छा हो जाएगा। अब आवाज आ रही है मैम? अब आ रही है। सर मेरे दो तीन क्वेश्चन थे, एक तो इनको जब एचबी कितना है सर बता देती हूँ, इनका एचबी मैक्सिमम इनका 8.6 या 9 तक ही जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता, और इस टाइम पे भी प्लेटलेट्स इनके 43,000 ही हैं। यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल है, बिलीरुबिन 3.4 है, यूरिया क्रेटिनिन उन्होंने, हाँ जी यूरिया 26 है, क्रेटिनिन 0.81 है, नॉर्मल है। अच्छा, और अभी हाँ अभी इनको बॉडी पे इचिंग होती है? होती है बॉडी पे, खारिश होती है, हाँ जी हाँ जी होती है इचिंग। और कभी पानी तो नहीं निकलवाया? नहीं निकलवाया। और इनका प्रोटीन कितना प्रोटीन? इनको ना स्टार्टिंग में ना मैंने बहुत देर पहले बोला था मेडिसिन आयुर्वेदिक लेने के लिए, इनको स्टार्ट भी किया था रोगे वर्धनी वटिका और पुनर्नवा मंडोर और लिवर का टॉनिक, कि अभी फिलहाल ये तो शुरू करो, इन्होंने ली ही नहीं मेडिसिन। देखो मैम क्लासिकल अभी फीचर जो बुरा हाल हो गया, हेलो, क्लासिकल फीचर जो सिरोसिस के होते हैं वो ये होते हैं, ब्लैक कलर का स्टूल है ना, ब्लैक कलर का स्टूल जब आता है, जब वेरिसिज फटती है अंदर, जो वेन फटती है, और कभी 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 वॉमिटिंग में भी ब्लड आ जाता है, हिमेटिमेसिस हो जाता है, वो भी आया था इनको, वो भी क्लासिकल सिरोसिस, क्लासिकल सिरोसिस का पेशेंट है विद पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। हाँ ये तो डायग्नोस्ड केस है सर। मैम इसका बेसिकली जो ट्रीटमेंट रहेगा, हमने बेसिकली अग्नि के कंसेप्ट पे इसका काम करना है, ठीक है। और सर मैं पेशेंट को भेज दूं? हाँ भेज दीजिए, आप चले जाओ, मेरे रिपोर्ट्स मेरे पास रहने दो। हाँ जी, आप ना ग्रुप में भी ये सारा डिटेल भेज दीजिए। हाँ जी सर, मैं भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ, मैं डिटेल्स भेज देती हूँ। पवन जी आप बताइए। सर ये इसका जो हेतु है वो तो अल्कोहल है, अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस है ये, ठीक है ना। और अभी हमने बेसिकली अग्नि के कंसेप्ट पे काम करना है, पहले तो निदान परिवर्जन करना है। अल्कोहल अगर पेशेंट लेगा, चाहिए 10 साल ट्रीटमेंट ले ले, तब भी फिर दोबारा वही सेम प्रॉब्लम होगी इसको। हाँ
ठीक है। सर इस टाइम पे अल्कोहल नहीं ले रहे, अभी अल्कोहल बंद किए को तो इनको हो गया शायद 4-2-3 साल हो गए अल्कोहल बंद ही है इनकी। मैम ये फुलमिनेंट केस में चला गया ना पूरा, मतलब लीवर इसका ना पूरा का पूरा वो हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जैसे बिलिरुबिन बार बार रेज चल रहा है। एक तो मैम इसको निदान परिवर्जन में अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है, प्रोटीन डाइट बिल्कुल नहीं लेनी इसको। और सर इनको लिखी ही प्रोटीन डाइट हुई है, इतना प्रोटीन इनको दिया हुआ है ना हॉस्पिटल वालों ने, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट। और ये बार जो इसको जो कहते हैं ना ये बेहोशी की हालत में हो जाता है, जब इनका लूज मोशन जो मोशन नहीं आता ना इनको, अमोनिया जो गैस बनती है वो सीधा दिमाग को टकराती है, दिमाग को वो बेहोशी में। उसके बाद एडमिट करवाना पड़ता है हॉस्पिटल, फिर इनको ऑक्सीजन लगती है हर 6 महीने के बाद। ये ऑक्सीजन मैम तभी लगेगी ना जब पेशेंट को मोशन नहीं आएगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, क्या होता है ना लीवर जो अमोनिया डाइजेस्ट करता है वो सीधा ब्रेन को जाता है और हिपेटिक एंसेफलोपैथी में पेशेंट लैंड करता है। एक दिन भी अगर इसको मोशन नहीं आया तो अगले दिन ये इरिवेलेंट टॉक करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, बेहोशी की हालत वो तो करते सोने लग जाएगा। वो तो करते हैं। हाँ जी सर वो तो करते हैं सारा कुछ यही है। तो बेसिकली इनके मतलब कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान देना है, हमने इनका अग्नि प्रदीपक दवाई देनी है, जैसे हमारा एक तो इसको अगर आसव रिस्ट वगैरह ये जैसे सर बताते हैं ना 4-5 आसव मिला के पूरा दिन वही तक्कर पे पेशेंट को रखो, ठीक है ना। पुनर्वादी पुनर्वादी मंडूर चंद्र पर्वा बटी और ये सूत शेखर रस कामदूधा रस और लीवर से रिलेटेड जो भी और मेडिसिन है ना उस पे अग्नि पे बेसिक काम करें इसका। जब इसका अग्नि अच्छा हो जाए फिर इसको घृत पान कटु तिक्त कसाई रस वाले जो घृत रहते हैं ना वो घृत पान करवाएं। और अल्कोहल और इसके लिए साल्ट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, अगर ये सोडियम ज्यादा मात्रा में लेंगे वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा और एसआईटिस फिर ज्यादा डेवलप होगा इनको। हाँ जी हाँ जी सर वो तो मैंने इनको मना कर रखा हुआ है कि सॉल्ट नहीं लेना ज्यादा। बाकी सर सर के पास इनका रामबाण दवाई है वो बताते हैं, जैसे वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फार्मूला है। आसव रिश्ते भूख को प्रदीप्त करना, अग्नि को प्रदीप्त करना, वातानुलोमन करवाना, दीपन पाचन कराना, वो सब। हाँ जी सर ये भी थोड़ा सा पेशेंट को बता दीजिए कि मेडिसिन खानी भी है और थोड़ा सा यकीन रख के खानी है, नहीं तो क्या होता है कि ये मेडिसिन नहीं खाते। सुनो अब कि इसका क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाला, इसका एचबी दोबारा एक तो इसका जो पेट में से वेरिसिस जो डायलेट हो रहे हैं ना दोबारा दोबारा वो वेन्स पटकी रहेगी पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। दूसरा क्या रहेगा ये रीनल में भी कंपाउंड रीनल भी इसका शट डाउन हो जाएगा क्योंकि प्लेटलेट कम कम हो रहा है, कहीं ना कहीं से और ब्लीडिंग हो गई, हिपेटोरिनल सिंड्रोम में चला जाएगा, इसका लीवर किडनी और मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाएगा। इसको तो बहुत बहुत तरीके से पूरे परिवार को लग के तब इसको मेडिसिन और टाइम से मेडिसिन और पूरा का पूरा मतलब खान पान का परहेज रखेगा तभी ऐसा मरीज ठीक होता, नहीं ऐसा मरीज ज्यादा ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता, ये इनको क्लियर कट समझा दो। अगर इसने ठीक होने के बावजूद भी अगर इसने 20 ml भी अल्कोहल ले ली 30 ml उसी टाइम इसको वो आ जाएगा खून की उल्टी लग जाएगी और या फिर कोई अंदर से नस फटेगी काले रंग का लेटिन आएगी तारकोल जैसी। ठीक है सर। आप मैं इसमें बता देता हूँ लेकिन मुझे एक बार रिपोर्ट देखना पड़ेगा फिर मैं अच्छे से ऐसे करती हूँ, आज मैं व्हाट्सएप पे आपको रिपोर्ट्स भी भेजती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे और फिर दोबारा से एक बार इनकी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है फिर मैं देख के फिर कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे कर लेंगे ना तो थोड़ा सा मैं बताऊं। हाँ सर बताइए सक्सेना रिपोर्ट्स और मेडिसिन सारी। हाँ देखिए इसमें मैं थोड़ा सा विरेचन में रखूंगा पटोल मूलादि पे रखूंगा फिर बाद में संसन पे लाऊंगा पटोल पटोल रानी पे लाऊंगा। सर एक दो बारी विरेचन अगर इसको हो गया तो इन्होंने डर जाना कि हाँ तो पटोल संसन तो पटोल पटोल रानी संसन पे रखिए ना और साथ साथ थोड़ा सा इनको क्या कहते हैं आपका पुनर्नवा गुछरू और जो है थोड़ा सा वो भुई आमला पुनर्नवा कुटकी सरपुंखा इसका तो आप पाउडर बना के दे सकते हो ना। हाँ, हाँ, हाँ। पुनर्नवा कुटकी सरपुंखा लाल मेघ चिरायता ये आप कर सकते हो ना, इसमें तो करा जा सकता है ना। और इनको बहुत ही लंघन पे रखना है, बहुत ज्यादा बहुत कम डाइट, ये फुल्का उल्का ले रहे मैं नहीं देता, मैं तो ऐसे में तक्र देता हूँ तक्र का हल्का बिल्कुल एक टाइम पे बिल्कुल, क्योंकि सिरोसिस हम नहीं मानेंगे, हम तो आयुर्वेद की तरफ से सोच के चलते हैं, हम तो ये सब नहीं देखते, तो उसके लिए हमको हल्दी पीड़िता के लिए
इसके लिए भुयामला पुरनवा कुटकी सरपंका काल में चिराहता ये का कम्बिनेशन आप दीजिए ना, और ठीक है कटोल मुलराज जी नहीं देना चाहे तो पटोल कटोल रहा ही दीजिए, और साथ साथ आप वो साथ साथ अग्नि भी प्रतीत प्रकट हुए जैसे आपने बोला डॉक्टर साहब ने बोला, तो अग्नि दुंडी वगैरह जोड़ी जा सकती है, लेकिन जब तक फैट उसका कम नहीं होगा, जब तक मेद वृद्धि जो है वो कम नहीं होगी, फैट भी होता है उसमें साथ साथ वो उसके पूरी पूरी हेपेटिक सेलुलर डैमेज हो जाता है, पूरा 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 हेपेटो सेलुलर डैमेज हो जाता है, तो वो उसकी वजह से ना तो कुछ भी सिक्रीट होते हैं, इसीलिए एसजीओटी एसजीपीटी बिल्लू भी नहीं पड़ता, ऐसे में बिल्लू भी नहीं पड़ता, जीजीटी पड़ता है, जीजीटी पड़ता है ऐसे में, इसीलिए रिपोर्ट आप देखिएगा बाकी फिर आगे। हाँ लंघन और बहुत ज्यादा इनका जैसे अभी डॉक्टर ने बोला कि दारू वारू तो बिल्कुल नहीं पीनी है, मुर्गा मीट मसाला मतलब पेट बड़ा हुआ है, आरगवादी इनको चलेगा, इसलिए कंडू कंडू इनको तो आरगवादी कषाय भी इसमें चलेगा, गंधक रसायन भी बढ़िया काम करेगा ऐसे में। हाँ ये यूरोपियन तभी बढ़ता है जब एडवांस लीवर स्टेज और एडवांस लीवर डिजीज, हम लोग अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन के हिसाब से सोचे हैं तो यूरोपियन भी पढ़ने लग जाता है, हम लोग तो उसको श्रोता अवरोध मांग के चलेंगे, हम एलोपैथिक आयुर्वेदिक में नहीं जाके श्रोता अवरोध मांग के चलेंगे ना, श्रोता अवरोध ही है ना सर, वो जो इसको खारिज हो रही है ना कंडो हो रहा है, इसीलिए मतलब अवरोध की वजह से ही हो रहा है। हाँ इसीलिए तो मैं अवरोध की वजह से ही हो रहा है कंडो, और इधर मैंने अग्निपीड़ित के लिए भूयाला पुनः जब तक इसको ये सब रखा हुआ है तो हम उस पर काम, आरोग्य बदनी भी अच्छा काम करती है, ताम्र भी अच्छा काम करती है, लेखन करना है यहाँ पे, लेखन भी करना है, ताम्र भी करना है। हाँ तक्र तक्र दीपन ग्राही लागवात तक्रम ग्रहणी के साथ साथ अग्नि पे तक्र का सेवन ज्यादा ज्यादा करना, मैं तो इसमें रोटी नहीं देता, रोटी वोटी केवल मूंग की दाल के बारे में बताने लगी हूँ, मैंने ना इनको मना किया था स्टार्टिंग में कि बिल्कुल हल्का लेना है, मतलब जिस टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तो जब ये बाद में हॉस्पिटल एडमिट हुए थे तो डॉक्टर्स फिर पीजीआई में यही कहते हैं कि आपने इनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, इनको वीकनेस आ जाएगी, इनको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना बुरा हाल कर दिया आपने पेशेंट का, कुछ खिलाते नहीं हो आप इनको, इनको हाई प्रोटीन डाइट दो, इनमें वीकनेस आ गई है सर, फिर ऐसी चीजें होती हैं वहाँ पे। मैम लो लो फैट लो प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये होता है इसका, लो फैट लो प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। हाँ जी सर सर मैं अभी अभी सारी रिपोर्ट्स ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती हूँ। हाँ जी अरविंद सर, हाँ जी आप डाल दीजिए। अरविंद सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी, और इनका देखना कैसे पूरा मैनेज कैसे हो सकता है, प्रॉपर इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट हो सकती है, उसके हिसाब से फिर इनको मेडिसिन इनको बोल दूंगी, ये प्रॉपर मेडिसिन पूरी मंगवा लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है और भी डॉक्टर से सर, और भी डॉक्टर से पूछा ना किस किस का क्या क्या, और आप लोग बोले आकांक्षा मैम आप बोले, क्योंकि मैं अभी एक लेक्चर लेना है तो मेरा बहुत ब्रेन का ड्रेन हो गया पूरा, तो अभी मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि एनर्जी लेवल कम है। आप आकांक्षा मैम आप क्या बताना चाहती है, आकांक्षा मैम अंजना मैम आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, केस में मोनिका मैम अनुरिता मैम आई है, अनुरिता मैम तो क्रिकेट खेल रही है ना, अंजना मैम से पूछा सर। नमस्कार सर, सर बहुत केस जो है ये बहुत टिपिकल होने वाला है अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, जैसे अभी सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बताया इस केस के बारे में, और यहाँ पर जो है ये हम लोग के पास जो आया है तो इसकी संप्राप्ति जो है वो काफी कहना चाहिए कि जो है वो सामान्य संप्राप्ति नहीं है, विशेष संप्राप्ति है, और ये कई जगह इन्होंने जो है कई स्रोत को इन्होंने जो है दूषित कर चुके हैं ये लोग यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले जैसे आपने पहले ही बोला था कि हमें यहाँ अग्नि पे कार्य करना है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दीपन पाचन से ही स्टार्ट करना है, लेकिन इनकी जो सबसे कंडीशन है उस कंडीशन पे हमें इनको मॉर्निंग से इनकी दिनचर्या पे सबसे पहले कंसंट्रेट होना होगा, और इनको सबसे पहले हम योग और आसन और प्राणायाम और ओम का जाप इस पे लेके आएंगे। सबसे पहले इनको मॉर्निंग आवर्स में उठना है, उठ के 2-10-5 मिनट अपने बेड पर ही बैठ के इनको बहुत अच्छे से जो है योगासन करना है, ओम का जाप करना है, प्राणायाम करना है, और उसके पश्चात में जब इनको सुबह के समय थोड़ा सा इजी लगेगा तो जैसे आरगवत कषाय यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगा, आरगवत कषाय को हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, या फिर निशोध चूर्ण को भी पहले स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं, आरगवत कषाय निशोध चूर्ण इस तरह से हल्का सा विरेचक देंगे, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत इनको जरासी भी
रिटर्न हो जाती है तो होती तो, लेकिन इनको थोड़ा सा अच्छी कन्विंसिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर इनको विरेचन नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे इनका जो माइंड है वो हिपेटोएन्सेफेलोपैथी में जा रहा है। अगर हिपेटोएन्सेफेलोपैथी शुरू हो जाती है तो फिर ये पेशेंट जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर हल्का दीपन पाचन और वायु का अनुलोमन करना है, तो हम सिंपल मेडिसिन आरगवत कषाय स्टार्ट करेंगे और उसके पश्चात जो आमल की चून पे भी इसको यहाँ पे रख सकते हैं, थोड़ा सा आमल की चून ऐड कर सकते हैं। और देन उसके बाद उसकी जो डाइट है, वो डाइट में जिससे बात चल रही है कि पेशेंट क्या ले, तो यहाँ पे अगर हो सकता है तो थोड़ा सा पेशेंट को हम दलिया टाइप का खाना दे सकते हैं, जैसे चाहे वो जौ का दलिया भी दे सकते हैं, चाहे हम उसको थोड़ा सा उसमें गेहूं का आटा का हल्का दलिया, गेहूं का दलिया भी हल्का सा मिला सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा डिपेंड करना है कि हमें यहाँ पे भूमि अमल की या फिर कालमेघ और भूमि अमल की इन दोनों का पाउडर मिला के या उनका कषाय बना के फिर हमें नाश्ते के बाद देना पड़ेगा। इस पेशेंट के ऊपर बहुत स्लोली और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमें कंसंट्रेट होना है कि हमें कहाँ पे गृहिणी पे काम करना है, कहाँ हमें दीपन बाचन पे काम करना है। तो अगर पॉसिबल हो तो कुटकी कालमेघ का पाउडर ले लें और भूमि अमल का सिरप मिलता है या फिर नीरोसिस सिरप मिलता है, अगर पेशेंट को शुगर लेवल की बात नहीं हो पाई है, हो सकता है पेशेंट का HbA1c भी थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हो, क्योंकि ऐसे करता है इंक्रीज इनका। हाँ मैडम तो फिर नीरोसल की टेबलेट ले लीजिए और कालमेघ का जो है वो जो है वो पाउडर बना लीजिए, नहीं तो कालमेघ घास सब भी यहाँ पे चलाया जा सकता है। कुटकी चूर्ण के साथ में नीरोसल की टेबलेट दीजिए, कुटकी टेबलेट चाहिए, भूमि अमल की टेबलेट चाहिए और उसके अलावा हमें कालमेघ घास सब यहाँ आफ्टर जो है वो नाश्ते के बाद देना होगा। देन फिर खाने से पहले एक गोली आरोग्य वर्धनी वटी की दीजिए, हल्की ही दवा देना है, एक ही गोली दीजिए आरोग्य वर्धनी वटी की और साथ में फल टिका दीजिए। अगर लगता है कि मोशन ज्यादा होने लगा या ऐसा है तो आरोग्य वर्धनी वटी को हाफ शरण पानी के साथ दीजिए और उसके बाद जो है तो खाने के बाद आरोग्य वर्धनी वटी को इनको दूध के साथ, दूध तो देना नहीं है ना इनको बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है, तकर के साथ दे सकते हैं आप, अभी तकर के साथ तो दे सकते हो ना, हल्का तकर बना के तकर में थोड़ा जीरा डाल दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा जीरा डाल दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें जो है पंचकोल चून डाल सकती हैं, नहीं तो जीरा तो आप डाल के ही दीजिएगा और हल एक गोली ही दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत हमें देखना है अभी इस तरह से, हमें उसको एक हफ्ता 10 दिन रीड करना है और उसके बाद आरोग्य वर्धनी वटी तो वो ऑलरेडी ले भी रहे हैं काफी देर से, आरोग्य वर्धनी वटी दो टाइम ले रहे हैं सुबह शाम, ठीक है, लेकिन वो खाने से पहले दीजिए और जो पुनर्नवा मंडूर आप दे रहे हो वो खाने के बाद दीजिए। मेडिसिन कम देना होगा। लेकिन यह है कि जो उसका काल समान काल या पान काल है ना, इस पे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है मैडम, तो यहाँ पे इसको। और मैम अभी जो उनको इस टाइम पे जो पैरालिसिस का अटैक आया उसका क्या करें? हाँ तो उसके लिए फिर हल्का ब्लीडिंग कब हुई थी पेशेंट को, लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग कभी आप बता रहे थे ना, ब्लीडिंग भी हुई है इनको, वो इनको नॉर्मली इनको होती रहती है कभी भी, हाँ तो कभी भी हो जाती है इनको, हाँ तो जैसे हम अभी सर ने पढ़ाया ना बॉम्बे शूट्स वगैरह बताया, हरिद्रा बचा बताया, लेकिन उसका लेप कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना, हाँ जी हाँ जी, हाँ उसका लेप कर सकते हैं, पेट हाँ, पेट पे करवा दूं, एक्चुअली यहाँ पे पोर्टल वेट हाइपरटेंशन है, हाँ वहाँ पे हल्का सा करा सकते हैं। दूसरा जो है थोड़ा शिरोधारा इन सब चीजों से क्या करिए ना, थोड़ा सा तिल के तेल को संस्कारित करके थोड़ा सा शिरोधारा भी दे सकते हैं हल्का सा, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा फैट देना भी नहीं है, लेकिन शिरोधारा से उसका मेंटल जो है थोड़ा सा वो ठीक हो सकता है, ठीक है, अगर पेशेंट ले पाता इस टाइम पे। अभी जैसे पेशेंट को मैं शीरबला 101 का वो नस्य दे दूं, जैसे अभी वो आया हुआ है मेरे पास, दूं के ना दूं उसको, कैसे करूं? एक्चुअली मैडम अभी थोड़ा सा पेशेंट का हमें आमावस्था पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना, थोड़ा दीपन पाचन करिए पहले, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो करिए, और मात्रा खीर वाला तेल से ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप नस्य देना चाहती हैं तो इसमें, क्योंकि आप पेशेंट को थोड़ा सा जैसे अभी बात हो रही थी तो बॉम्बे शूट और ये सब मिला के बचा और ये क्या कहते हैं हरिद्रा, इसमें थोड़ा जटामांसी भी मिला के इससे संस्कारित तेल बनाइए और थोड़ी मात्रा कम करके शुरुआत में पेशेंट को 2-2 बूंद से लेके जाइए, 5 बूंद तक लेके जाइए, धीरे धीरे मात्रा बढ़ा सकती हैं, पहले उसको 2-2 बूंद पर ही रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन थीक। जो द्रव्य है वो मैध्य होने चाहिए, वो ज्यादा फास्ट काम करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयलिंग हमें इसकी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा स्नेह उतना ही देना है जितना स्नेह एब्जॉर्ब हो जाए, नहीं तो फिर वो फैट जो होगा वो लैटरिन के साथ बाहर आएगा, फिर वो गृहिणी दुष्टि तो है ही है और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैं
इसलिए आप देख रहे होंगे मैं थोड़ा अभी कास्ट औषधियों पर ही हूँ मैं, और कास्ट औषधियों के साथ साथ इनके इन्वेस्टिगेशन एक हफ्ते के बाद हम लोग करा लेंगे। उसके बाद जैसा रेस्पॉन्स मिलेगा तो हम एक दो दवा उसमें धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बाकी जैसे मैंने आपने कहा पुनर्नवा मंडूर है या फिर पुनर्नवा चून है, और उसके में गोक्षुर भी थोड़ा आप मिला सकती है, पुनर्नवा गोक्षुर पाथ या पुनर्नवा गोक्षुर क्षीर पाक या पुनर्नवा गोक्षुर तक्र के साथ इस तरह से दीजिए, ठीक है। और रात में नाभि के ऊपर एरंड तेल जरूर रखिएगा। अच्छा ठीक है, हाँ एरंड पूर्णा भी पूर्ण करिए जी। मैम पैरालिसिस पे इतना ज्यादा मेन प्रॉब्लम है ना, लीवर पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। पैरालिसिस तो वो इस्कीमिया की वजह से ना ब्रेन में एट्रोफी हुआ है, तो उसकी वजह से अपने आप रिकवर हो जाएगा जब लीवर ठीक होगा। मतलब वो सेकेंडरी सेकेंडरी व्याधि है, मतलब ये रक्तवाह स्त्रोत का दुष्टि है, रक्तवाह स्त्रोत का दुष्टि है, तो जहाँ जहाँ स्त्रोत अवरुद्ध है वहाँ पे एट्रोफिक चेंजेस आ गया। रक्त पाचक रस पाचक फल त्रिकाधिक्वात आरोग्य वर्धनी ये सब देंगे ना ठीक हो जाएंगे। दूध पे रखना है पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा, और अल्कोहल बंद करना है, बोल देना अल्कोहल जहर है। अगर दूध देना है अग्नि अग्नि देख लीजिए, अगर अग्नि से अग्नि उसकी दूध पचाने लायक है तो पहले थोड़ा सा ऐसे में थोड़ा दूध को ना हम लोग हल्का करके, भूख बहुत लगती है, हाँ अगर काफी लगती है इनको, हाँ तो फिर संस्कारित करके दीजिए, खीर पाक बना बना के दीजिए मेडिसिन। सिंपली खीर पाक देंगे तब भी फायदा होगा, और बोल देना है कि अगर ठीक भी हो गया और दारू पियेंगे तो मर जाएंगे, उसी टाइम मर जाएंगे, खून की उल्टी हो गया, वो जो पोर्टल वेन है ना वो वैराइसिस हो गया फट जाएगा पूरी तरह से, तो जब खून से मुंह से खून आएगा। जो ये जो जी क्षीर पाक करके देना है इसमें मैं क्या डाल सकती हूँ, मतलब क्या दूं? अभी सर ने बोला ना डाल सकते हैं, अभी सर ने बोला ना। अब सुनिए, अब एक केस का सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक डॉक्टर अरुण साइनी जी आप आए हैं क्या? डॉक्टर अरुण साइनी जी सुन पा रहे हैं आप क्या? जी सर। हाँ आपके वो जो पेशेंट थे सिरोसिस ऑफ लीवर, पेट में एसिडिटी हो गया, उनका केस थोड़ा बताइए और उनकी डेथ कैसे हुई वो बताइए आप। सर उनको सुनिए सब लोग जी। जी सर उनको 2 साल से प्रॉब्लम चल रही थी लीवर की, तो 3-4 महीने से उनका एसिडिटी भी हो गया, तो उन्होंने 2 बार तो ड्रेन करवा दिया था, और उनके इसोफेजियल वेराइसिस भी हुए थे 2 बार। उसके बाद सर उनका ट्रीटमेंट चलाया था अपन ने, मैं लेके भी आया था संभाषा में उनको, और उनको फिर अचानक से ट्रीटमेंट चल रहा था और 7-8 दिन तक तो वो ले रहे थे। एक दिन सर उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो एलोपैथी में कुछ डॉक्टर से डिस्कशन करके उन्होंने उनका ट्रीटमेंट बीच में ड्रॉप करके वो स्टार्ट कर दिया था सर। तो सर दूसरे दिन उनको अचानक से हार्ट की प्रॉब्लम हुई और तुरंत ही डेथ हो गई थी सर। हाँ तो ये देखिए अल्कोहल पियेंगे या कुछ डाइट फॉलो गलत किया तो तुरंत डेथ होती है ऐसे पेशेंट में, वो जो वराइसेस है ना वो फट जाता है पूरा, रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति होती है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो आपको इनको बोलना है शराब नहीं पीना है, परहेज पूरा पालना है, क्योंकि अंदर शरीर कमजोर। हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ जी सर। और ऐसे जबरदस्ती टाइप नहीं होना चाहिए कि नहीं हम जबरदस्त जीना है तो क्वालिटी लाइफ जिए। जी हाँ जी, हाँ जी ये तो है सर। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरे को असाध्य व्याधियां जब हो जाती है ना तो ब्रह्मा जी ने वो भी बचा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें खुद अपनी रक्षा करनी है। ये तो है सर, ये तो बात सही, ये तो है सर। तो मैं इलाज कर रहा था इनको, अभी क्षीर पाक बता दीजिए, बता दूं मैं इनको शुंठी से लघु पंचमूल क्षीर पाक दे सकते, लघु पंचमूल क्षीर पाक ऐसे दे सकते ना, बहुत सारे हैं दवाइयां, लेकिन अल्कोहल मैं इससे इतना बता रहा हूँ कि वो पेशेंट की डेथ हो गई अरुण जी के पेशेंट, क्योंकि उन्होंने अल्कोहलिक उनका भी था ये हिस्ट्री था, अल्कोहल पी पी के लीवर को डैमेज कर दिया। जी सर वो थोड़ा सा पेशेंट को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा सर। जी अगर अभी एसिटिस ज्यादा नहीं है तो अभी बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं, एसिटिस का फ्लूइड लेवल कम होने के बाद ज्यादा फ्लूइड लेवल कम है तो अभी रिकवर हो सकते हैं, अगर ये बहुत अच्छे से लंघन करें और मुझको तक्र पे और उस पे जैसे बोला भी गया है दूध पे और क्षीर पाक पे बोला गया है, काफी चीजें बोली गई हैं। हाँ जी सर। सक्सेना सर एक बात बताइए क्या, और मेडिसिन जो इनकी दूसरी चल रही हैं जैसे क्या चल रही हैं? क्या कुलविंदर कौर मैम, स्पाइनोलेक्टॉन
वो सब अभी चले, वो तो डायलिटिक होती है उठे, वो तो डायलिटिक होती है ना, तो फ्लूइड लेवल कम होने के लिए है, लेकिन हैं हेलो हेलो बोलिए, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही बीच में, के लिए तो इनका एक तो गट स्टरलाइजेशन के लिए चला होगा, रिफा गट वगैरह या गट राइट वगैरह, और स्पिरुलिनेट्रॉन की बात कर रहे हैं, वो डायलिटिक का काम कर रही है ना, डायलिटिक है वो, फ्लूइड इतना ज्यादा नहीं है तो उसके लिए परेशान होना। सुनिए आपने ये रिपोर्ट थोड़ा ग्रुप में डाल दीजिए कुलविंदर कौर मैम, हम पूरा देख के फिर अच्छे से बताते हैं। अभी डाल, अभी डाल, ठीक है सर, अभी डाल। और ये हिमांशु गुप्ता जी कुछ बोल रहे थे, हिमांशु गुप्ता जी, हाँ आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ प्रणाम सर, सर इस तरह की संप्राप्ति में क्या कटु रसात्मक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए? हमें आम पाचन नहीं करना है क्या? कटु तिक्त तो देना ही पड़ेगा हमें, आम पाचन करना है, ये आम की तो है ना, और हम कटु तिक्त तो मतलब लाल मिर्ची दे रहे हैं क्या, शुंठी दे रहे हैं मधुर विपाकीय है। वो देने में क्या है, स्त्रोतोरोध को दूर नहीं करेंगे क्या? हाँ सर शुंठी है, पिपली टाइप का तो यूज कर सकते, तो पिपली शिरपा क्या सेफ नहीं है क्या, यकृत विकारों में बोले ना सर, वो तो इंडिकेटेड ही है, तो मैं बाकी और थोड़ी ना लाल मिर्ची थोड़ी बोल रहा हूँ, उतना कटु थोड़ी ना देंगे हम, गिलोय का भी इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा सर, गिलोय है, दारू हल्दी है, गिलोय पिपली सभी का अच्छा रहेगा, रक्त पाचन कितना बढ़िया है, नीम पत्र है चिराता है, आप अगर ग्रुप में डालेंगे तो सब लोग अपना अपना मत डाल सकते हैं, फिर अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है, थैंक यू आपका। और किसी का कोई केस है तो बताइए कृपया। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आपकी माता जी कैसी हैं? मैं रोज पूछता हूँ, सुबह भी पूछता हूँ, शाम को भी पूछता हूँ। हेलो जी सर, सर मैं सुबह शाम पूछता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल, आप पूछते हैं तो ठीक है। अभी जैसे आप कह रहे थे इतनी भूख तो नहीं है, जबरदस्ती खाने वाली बात है, फिर खाया नहीं, वैसे उनके लिए मूंग की दाल बनाई हुई थी, तो उनको लंगन कराइए जब तक तेज भूख नहीं लगती है तब तक। ठीक है सर, चलो लंगन भी कराती हूँ सर, बीच बीच में हो जाता है सर, ब्रेकफास्ट और लंच ले लेते हैं, तकरीबन रात को मिस कर देते हैं, कहते हैं इतनी भूख नहीं है फिर रात को मैं तंग होंगी, तो इसलिए इतना तो करते हैं, बाकी मैं कल करवाती हूँ जैसे सूप दाल वगैरह मूंग दाल पानी। और सर तक्कर तो ले ही सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं ले सकते, तक्कर पे ही रख दीजिए आप 4-5 दिन, तो पंचकोल डाल के तक्कर दीजिए ना। हाँ पंचकोल, ठीक है सर, ठीक है जी। डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम, आप उस टाइम कुछ बोल रही थी लेकिन आवाज कट गया था। हाँ सर वो नेट का इश्यू आ गया था। हाँ तो सर अभी तो फिलहाल जो पेशेंट को बीच में फिर एक कॉर्टिकल सिस्ट बन गई थी ना, हाँ तो फिर हमने वो आप विन्याशा मैम ने बताया था तो चूर्ण वस्ती दी थी, तो उसको स्वेलिंग वगैरह तो सब साइड कर गई। हाँ। तो अब मैं उसको ये ट्रीटमेंट दे रही हूँ सर, काशनार गुगुल दिया हुआ है मैंने, गोक्षादी हाँ। गुगुल और पुनर्नवादी मंडूर, और सर एक मैंने ऑयल बनवाया हुआ है पुनर्नवास्तक क्वाथ और उसके साथ गोक्रू और शतावरी वगैरह मिला के। हाँ। तो उसी का ही मैं क्वाथ भी दिला रही हूँ और उसी का ही मैं साथ में अतिक्त क्षीर वस्ती मैंने शुरू कराई है सर उसकी। हाँ। शतावरी घृत से और एक दिन ऑयल से, एक दिन शतावरी घृत से, ये से तो हाँ। अब उसका 1.4 पे आपका हो गया प्रोटीन। हाँ। और तो बाकी सारे पैरामीटर्स उसके बिल्कुल सही कंट्रोल में है, भूख सही लग रही है सब। तो सब लोग कृपया शुक्ला मैम को कॉन्ग्रेचुलेट करिए, इतना अच्छा केस सॉल्व किया किडनी पेशेंट को सर, अभी कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू सो मच मैम, बट तब होगी ना जब उसका बिल्कुल ही ठीक है ना, आप ठीक करने के रास्ते में तो है ना, ठीक हो जाएगा। हाँ सर ये बात तो है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम कितना अच्छा कुछ कर सकते हैं, और थैंक यू फॉर द दिस प्लेटफॉर्म सर। एक मिनट, पेशेंट कुछ पूछना चाहता है सर, वो जा रहे थे, कुछ पूछना चाहते, पूछिए पूछिए सर। इनको ना जो अभी मतलब इनको अटैक आया है पैरालाइज का, हाँ। तो इनका एक हाथ और एक पैर में दिक्कत आई है, मुंह में मुंह तिरछा हो गया है। कोई बात नहीं, आप एरंड तेल कुलविंदर कौर मैम, एरंड तेल पिला सकते हैं शुंठी डाल के रात को? मैडम एक मिनट, पक्षा खाते तो सांस नहीं ले रहे, आप एरंड तेल डाल के इनको दूध में डाल के या कोष्ण जल के साथ एरंड तेल पिला दीजिए, तो इनका ना विरेचन हो जाएगा, इनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और कल फिर बताएगा कैसे लग रहा है, और इसमें आप ना जो दवाइयां हैं वो मैं आपको अभी बता दूं क्या, कि बाद में बताऊं?
आप ताप्यादि लॉ दे सकते हैं, एक बार रिपोर्ट लिख के फिर हम बताएंगे आप, लेकिन एरंड तेल पिला दीजिए सुबह पेट सब। मैंने वो रिपोर्ट भेज दी है। ठीक है, और इनका ब्लड प्रेशर चेक करके बताइए कितना है। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। ब्लड प्रेशर इनका लो रहता है अभी, कितना है? हाँ जी, ये खाते हैं ब्लड प्रेशर की और आप इनको नस्से दे दीजिए शीर वाला तेल। इस टाइम पे कितना था इनका बीपी? 106/69। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? आपके उसका नस्से दर्द दीजिए और देखिए कितना अच्छा लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ। अभी सर कितने ml डाल दूं? 15 ml डाल दीजिए आराम से, ब्रीहण हो जाएगा ना, तो इनको नींद अच्छी आएगी। और इसमें गंडूस और कवल कीजिए तेल का। हाँ गंडूस और कवल करिए। हाँ जी ठीक, तिल तेल का कर। इसका क्षीरबला का ही? क्षीरबला का करिए या तिल तेल से कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्षीरबला महंगा है ना मेरा वाला, तो तिल तेल से करा दीजिए। ठीक है, आप इतना करिए, कल सुबह फिर बताएगा हमें। ठीक है डॉक्टर कंचन, ठीक है थैंक यू डॉक्टर कंचन जी। आपके पेशेंट का क्या हालचाल है जिनको आपने नस्य किया था? जी सर, वो आज मैंने सुबह भी उनको फोन किया था और उन्होंने लिया सर, कोई तकलीफ नहीं है और काफी मतलब अच्छा फील कर रहे थे, उनको नींद भी काफी अच्छी आई सर। जी नींद अच्छी आई ना? जी सर जी। आपने कितना अच्छे से नस्य किया था उनका? जी सर, पूरा पूरा डाल दिया था सर, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं डाल पाऊंगी, पर उन्होंने भी काफी कोऑपरेट किया और मतलब उनको एक्चुअली कुछ भी तकलीफ, एक्चुअली वो शीरवाला आपका जो है ना वो काफी अच्छा है सर, मतलब वो बिल्कुल इरिटेशन नहीं बाकी है। हाँ तो इसलिए बाकी है ना, तो इसलिए धारा नस्य जब हम देते हैं ना तो पेशेंट को कोई व्यापत नहीं होता, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। यस सर, मैंने मुझे मुझे लगा ही नहीं, मुझे और मेन बात है ना कि पेशेंट को आप पे विश्वास है, वो ट्रस्ट है ना, तो पेशेंट को आप आराम से निकाल देंगी वहां से बीमारी से। सर एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। हाँ सर, जैसे कफ नस का जो है 8 काल जो कफ के काल बोले गए उसमें दिया जाता है, जो वो जो नस इंडिकेटेड है, अब ये धारा नस सर कहीं मिलता ही नहीं है, बस कैसे? कहीं ग्रंथों में लिखा है क्या कि ज्यादा नस से नहीं दे सकते? नहीं नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ, धारा नस जैसे हम लोग नस के लिए जो बोला गया है, संहिता लिखा गया था ना, तो वाग्भट कैसा है कि वो नए लोगों के लिए लिखा गया है कि आर्हता अनहारता, मतलब किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, तो वो नए लोगों के लिए, जब एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो आप युक्ति पूर्वक उसको दे सकते हैं। और नस से जो है ना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक रास्ता है डालने के लिए। लेकिन सर वो जो बोले गए चरक में बोला गया है कफ के 8 काल जो बोले गए, जैसे नहाने के बाद खाने के बाद सोने के बाद सोकर उठने के बाद, तो मैं आपको थोड़ा ना रोक रहा हूँ, आप दीजिए ना, तो उतना 15-15 ml सर, मतलब मेरे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अभी देखिए सिद्धि स्थान में लिखा है कि ये सारा जो हमने लिखा है ये सारे अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए है, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले वैद्य हैं वो लोग। हाँ तो पुराने समय में नहीं था वो, तो अब नया नया बीमारियां आ गई तो हम लोग को युक्ति तो लगानी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने बोला है कि तीक्ष्ण बुद्धि वाले वैद्य इसको कम ज्यादा कर सकते हैं डोजेस। सर शास्त्रों में एक नासापान की रेफरेंस मिलता है जिसमें लिमिट 25 ml से लेकर के 15 ml से लेकर के 300 ml तक बताई गई है। वो उसमें वो पान की बताई गई, उसमें औषधियों का बताया गया पान, उसमें तेल का नहीं बताया गया, जैसे माश बलादी पाचन इन सब का। हाँ उसमें उसमें जो है क्वाथ बताया गया। आपको क्या मालूम है, जब नालंदा यूनिवर्सिटी जलाया गया तो उसमें कितने सारे बुक्स जल गए, तो उसमें लिखा नहीं होगा क्या कि ऐसे नस्य दे सकते हैं? हमारे पास कुछ ही लिमिटेड बुक ही है जी। अब नस्य का तो वर्णन है, हमारे हनुमान जी गए थे संजीवनी बट्टी लेके आए थे, द्रोणगिरी को डाल के उठा के लाए थे और फिर वो नाक में डाले थे, नस्य का तो बहुत वर्णन है, तो क्यों नहीं किताबें होंगी पहले संस्कृत में, सब जला दिया अलाउद्दीन खिलजी। प्रणाम सर। मेन बात है कि यहाँ कंचन मैम नस्य दी तो पेशेंट को फायदा हुआ ना, और ये नवजोत कौर मैम को कान से सुनाई नहीं देता था, सुनाई देने लगा ना, फ्लोटर्स आते थे फ्लोटर्स ठीक हुआ ना, तो हमको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसमें कोई व्यापक नहीं हो रहा है इतने, इसको सर कफ काल में दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया और बढ़िया रिस्पांस आएगा। वो आप दीजिए, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप दीजिए। ओके सर। हाँ जी, और बहुत सारे ग्रंथ जल गए हैं हमारे पास, नहीं है वो सारे ग्रंथ, तो हम ऐसे और कहीं लिखा नहीं है कि ज्यादा मात्रा में नहीं देना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, और मेरे पेशेंट को हमारे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे, पेशेंट को फायदा हो रहा है, तो क्या गलत है इसमें अगर फायदा हो रहा है तो? जी वो सब ठीक है।
जैसे और भी तो अल्टरनेट है हम लोग के पास, जैसे मिश्र किसने है वहां इसने आप है, वो सब भी दे सकते हैं। और मेन क्या है कि मृदु पाकी होना चाहिए, खर पाकी आप कोई भी तेल डालेंगे, एक ड्रॉप डालते ही जलेगा तो पेशेंट चिल्लाएगा, फिर वो लेगा ही नहीं कभी नस से। यस सर जी, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। मैं किसी की बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं बस अपना मत रख रहा हूँ कि मैं ऐसे देता हूँ मेरे पेशेंट को ठीक होता है, और जो वैद्य लोग कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, उनके पेशेंट में फायदा हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। आप लोग का सम्मान है, कोई मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सब सही बोल रहे हैं जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर जी, बोलिए सर। वो सर जो कह रहे थे ना, वो प्रतिमर्शन से के बारे में है वो। अच्छा, प्रतिमर्श नस के बारे में, नस से लिखा है ना, नस में प्रतिमर्श ही बोला गया है। और वो प्रतिमर्श जो है वो दिनचर्या, वो उसी तरीके से वो उसी तरीके से कर पाएंगे सर, जैसे वो बोला कि कभी भी नहाने के बाद, नहाने से पहले, खाने के बाद। प्रतिमर्श तो कभी भी दिया, उसमें नहाने का संबंध नहीं है, वो उसी का ही। हाँ जी, उसी का ही वर्णन है वो, उसमें उसमें नहीं, नस से लिखा है उसमें प्रतिमर्श और मस्त। उसमें लॉजिक है ना कि नहाने के बाद तुरंत कौन नाक में तेल डालेगा आगे पीछे, मतलब उसमें इसलिए बोला है कि एक नियम बता दिया कि ऐसे ऐसे करो। अब उन्होंने नस बोला है कि कफ बढ़ता है, इसलिए कफ काल बोला गया, तो इसीलिए क्योंकि उसमें इंडिकेशन था कि कफ जो है सिर में कफ का प्रकोप की वजह से ये सारे ये व्याधियां होती हैं, तो वो मर्श प्रतिमर्श अपीट ये धूपन ये अलग अलग इंडिकेशन है हर एक में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग धारा दे रहे हैं, तो धारा का इंडिकेशन अलग ही निकल के आता है। अब जैसे अभी अभी हिमांशु बोल रहे, अनुरीता मैडम ने नाम दिया है, मैंने नाम नहीं दिया है, धारा नस से नाम कहीं पर भी नहीं है, उन्होंने बोला है। अच्छा, डॉटसन ने नाम दिया है। अनुरीता मैडम ने नाम दिया, मैंने नहीं दिया। अच्छा, जैसे चक्रदत्त में वो औषधियों का बोला गया, जैसे हिमांशु बोले थे ना 250 से 300 ml, वो औषधियों का बोला गया है, शाखा पान लिखा के अंतर्गत बताया गया है। हाँ बोला गया है, उसमें लिखा है, मैंने भी देखा था जी। अभी वो मेरे पेशेंट का रिटेनल डिटैचमेंट था, मैंने इतना नस से दिया 3-4 महीने, उसका आंखें ठीक हो गई, उसका चश्मा उतर गया, तो क्या गलत है, पेशेंट ठीक हो गया ना, कोई व्यापत नहीं हुआ उसको इतने दिन। ये तो यूनिक बिल्कुल एक्सीलेंट रिजल्ट आया उसका। हाँ, तो क्या है, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल नहीं सर, गलत कुछ नहीं, मैं पूछ रहा सर इंडिकेशन। हाँ, जी। बहुत सारे बुक्स जला दिया गया तो इसलिए हमारे पास सब कुछ नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। गंगवार सर, आपके पेशेंट में क्या हाल चाल है? गंगवार सर कुछ बोलेंगे तब ना। डॉक्टर किरण नायक मैम, डॉक्टर कामिनी मैम आई, कामिनी मैम आप कुछ तो सक्सेस स्टोरीज बता सकती हैं तो बताइए ना, आपने कुछ कुछ पेशेंट ठीक किए ही होंगे आप भी ये हफ्ते में। कामिनी मैम, आते हैं बहुत सारे पेशेंट्स हमारे, तो आपका ज्ञान है वो हमें भी बताइए ना कि आपने कैसे कैसे पेशेंट ठीक किए, क्या क्या दिया। अभी जैसे कॉर्टिकल सिस्ट की बात कर रहे थे, तो मेरी भी एक पेशेंट को कॉर्टिकल सिस्ट विद ओवेरियन सिस्ट था, वो भी ठीक हो गई थी हमारी ट्रीटमेंट से। तो क्या दी थी आप? उसको भी स्वेलिंग वगैरह थी पैरों में, यही दिया था इन्होंने, जो दिया गोक्षूर पुनर्नवा ये सब वरुण वगैरह दिया था उनको भी, लेकिन 3-4 मेडिसिन जैसे मैं देती हूँ हमेशा, वो थोड़ा सा देखे। और नागकेशर और भारंगी आपका फेवरेट है? नहीं, ऐसा फेवरेट कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट देती हूँ, है ना मैम। 3 दवाइयों पर रखती हूँ केवल, 3 से 4। क्या क्या? किसी भी पेशेंट के अकॉर्डिंगली वो तो ना, लेकिन उसका हमने भी कॉर्टिकल सिस्ट विद वो था, ओवेरियन सिस्ट दोनों था, तो उसका भी ठीक हुआ था। बाकी कंसीव तो खैर हमारे डेली ऑलमोस्ट होते ही होते हैं, कोई ना कोई पेशेंट तो आते हैं, पेशेंट तो हर वैरायटी के आते हैं हमारे पास जी। मैक्सिमम आजकल केसेस एडिनोमायोसिस के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, वो आते हैं। तो एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रियोसिस में हम एक्चुअली हमारा लिमिटेड टू सब्जेक्ट आते हैं ना, गायनेकोलॉजी के ही पेशेंट्स आते हैं, बाकी हम लोग। हाँ, एक पेशेंट मुझे एक थोड़ा आपसे डिस्कस भी करना था, तो आपने पूछा है, आई थी अभी, हमने उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया है, आई थी पेशेंट, उसको था कि यूरिन पास नहीं होता है, वो कर ही नहीं पाती है, तो वो अपने आप कैथेटर लगाती है और ब्लैडर एम्प्टी करती है। फिर उसकी हिस्ट्री एक्सप्लोर करा, तो उसको हिस्ट्री थी कि पहले उसको कभी पैरालिसिस हुआ था, तो उसके बाद से वो कंट्रोल ही नहीं आया है उसको ब्लैडर पे। तो आप उत्तर दीजिए ना, वस्ती और उत्तर वस्ती स्नेहन के लिए। पे उसको कंट्रोल ही नहीं आया है, एंड शी यूज्ड टू हैव कैथेटर, कैथेटर लगाती एम्प्टी कर देती, बस उसको आदत पड़ी कई सालों से। इसका मतलब ये है कि वहां पे रुक्षगुण बढ़ के स्टेनोसिस हुआ है, मार्ग अवरोध हुआ है, मूत्रकृच्छता जैसे। नहीं, स्टेनोसिस नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं है, स्टेनोसिस हमने चेक किया, स्टेनोसिस कंट्रोल नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं उसका मूत्र वेग अवरोध हो रहा है कैसे भी,
तो मूत्रवेग अवरोध हो रहा है, तो इसमें बताया है कि उत्तर बस्ती, अवगाहन और बस्ती, तेल का बस्ती अगर दें तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो वहां पे मूत्र मार्ग में रोज तेल का बस्ती, लोअर पार्ट में उसका उतना अभी कंट्रोल नहीं आया है बॉडी के ना, उसको पैरालिसिस हुआ था तो उसके बाद से। और बृहत्वा चिंतामणि त्रैलोकी मैम, वो प्रणाम मैम। हाँ जी नमस्कार, मैंने ऐसा केस पहले नहीं देखा था तो मैंने इसलिए शेयर किया। मैंने तो ठीक किया ऐसे पेशेंट मैम, ये पहली बार मेरे पास ऐसा केस है कि वो यूज्ड टू, मतलब वो बोली कि मैं कैथेटर लगाऊंगी तो खाली हो जाएगा ब्लैडर ऐसे। मैम वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, न्यूरोजेनिक वहाँ का ना, हाँ उसमें तो आपको कटिबस्ती भी बहुत अच्छा बेनिफिट देगा सर करे ना, जैसे हमने बेसिकली वायु पे ही काम करना वहाँ पे। डॉक्टर साहब ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर नहीं होता, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है जब जरासी अर्ज हो इमीडिएट आपको यूरिनेशन होने, तुरंत बाहर निकलती रहेगी ना, उसमें न्यूरोजेनिक नहीं है। हाँ ये एटोनिक है सर, एटोनिक है। हाँ एटोनिक है, एटोनिक वो ब्लैडर हो गया है उसको कंट्रोल ड्रिबलिंग होती है, न्यूरोजेनिक में ड्रिबलिंग होती है, इसमें ड्रिबलिंग नहीं है, उसमें ड्रिबलिंग रहती है, बर्निंग रहती है, वो जैसे ही आप सोचोगे इमीडिएट जो है यूरिन पास हो जाएगा, तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस रहती है, तो उसको कहते हैं एटोनी। एटोनी मतलब वो जो वायु के दोष की वजह से उसकी नसें सूख गई हैं, बिल्कुल सही बोला पटेल ने, क्योंकि इरिटेबल होगा तो वो पित्त की तरफ जाएगा, ये बात की तरफ जा रहा है, बात की रुक्षता की वजह से हो रहा है, उसकी मसल्स काम नहीं कर रही है, इसीलिए वो प्रेशर नहीं दे पा रही यूरिन निकालने के लिए। तो वही वहां पे ना हमें तेल का उत्तर बस्ती और फिर बस्ती ये सब करेंगे तो अपान वायु जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। हाँ, अपान अपान पे ही काम करना पड़ेगा, बस्ती वैसे उत्तर बस्ती है, मात्र बस्ती भी अच्छा भी कर सकते हैं। वो कहते हैं डाल ही रही है ना, उधर से 5 ml 10 ml का अगर बस्ती डाल दिया तेल का, उधर से ऐसे पुश कर दिया तो कितना अच्छा फायदा होगा, 7 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएंगे। बस हमने यही प्लान करा है वैसे तो उसमें ना, पर ये मैंने कहा कि ऐसा केस आया तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा आप अगर उनको ठीक कर देंगे और पेपर प्रेजेंट करेंगे ना तो दुनिया में नाम हो जाएगा आपका, ऐसे भी नाम है आपका लेकिन ऐसा केस आप ठीक कर दीजिए। 3-4 साल से वो कर रही है ऐसा जी। आप ऐसा केस को ना जो एलोपैथी के जो कॉन्फ्रेंसेज होते हैं ना उसमें ऐसा पेशेंट को प्रेजेंट करेंगी ना कि मैंने इसका ऐसा कर दिया, वो बोलेंगे वाह क्या आयुर्वेद है आपका, इतना नाम हो जाएगा। एलोपैथी में तो इसका इलाज ही नहीं है ना, और आप कर देंगे। हाँ, 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 बिल्कुल, वो सब तरफ से घूम के आई थी, सब तरफ से घूम के आते हैं लोग। और आप कामनी में बहुत इंटेलिजेंट है, पूरी अभी देखिए पूरा आयुष दर्पण आपका फैन है। अंजना मैम, अंजना सक्सेना मैम और कामनी मैम तो हम लोग की स्टार है मैम। अंजना मैम का एक फेवरेट है मधु शीघ्र क्वाद और वरुणादि क्वाद, वो मैम का फेवरेट है। और अंजना सक्सेना मैम, कामनी मैम दोनों ही जो हम लोग की स्टार है मैम, हम लोग तो बहुत पीछे जी। आप सक्सेना सर आप भी तो है, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना, सभी स्टार है अंजना मैम और कामनी मैम का क्रॉस नहीं होता, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं लोग, मतलब कभी ईर्ष्या भी नहीं होता इन लोगों का, मतलब एक से बढ़कर एक। ऐसा कभी हो रहा ही नहीं चाहिए सर, किसी को भी किसी से कभी भी नहीं होना चाहिए, सब लोग कुछ ना कुछ ऐसा बात होती है तो किसी ना किसी तरह से हम लोग की सबकी नॉलेज अपग्रेड ही होती है। हाँ। और हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही हैं और हमेशा आगे ही बढ़ना है सब लोग को, हमेशा यही मन में रहना चाहिए। और फिर कामनी मैम तो इतनी सुपर है, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, मैम थोड़ी देर के लिए भी आ जाती है तो लगता है हाँ कुछ ना कुछ मैडम बताइए, आत्मा है असली में, आयुष दर्पण की आत्मा है जी सर, अच्छा लगता है। नमस्ते मैम। मैम की आवाज बहुत कम सुनाई पड़ती है, और मैम ना विद्वत्ता में भी आगे हैं, बात करने में भी आगे हैं, और इनकी बात से दुख दूर हो जाता है। यस बिल्कुल सही बात है जी। आपको कैसे बताइए बात, अभी मैं आपको 1 साल से देख नहीं रहा हूँ क्या? अच्छा ये सेंटेंस तो मेरे सारे पेशेंट्स बोलते रहते हैं, आपको कैसे पता? मैं 20 साल से प्रैक्टिशनर हूँ मैडम जी, अब मेरे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं तो मैं बात से ही पहचान जाता हूँ सबको, कौन क्या है, किसकी आत्मा पवित्र है, किसकी आत्मा में ईर्ष्या है, किसका द्वेष है, सब पता चल जाता है। ठीक है, एक डॉक्टर गीता जी कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर गीता जी आपने हैंड रेज किया है जी। नमस्कार सर। हाँ आप कहाँ से बोल रही हैं? सर मैं यमुनानगर हरियाणा से सर। हाँ जी बोलिए बोलिए। जी जी सर, सर मुझे कल एक वमन कराना है तो मैं लाइव दिखाऊं सर? हाँ अभी सुबह सुबह दिखाएंगे सुबह। हाँ जी 7 o'clock। आपके पास जोशी सर का नंबर है क्या? जोशी सर का नंबर है सर मेरे पास, उनको कॉल करिए, अगर जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग सर को या ग्रुप में सर बता देंगे, कल ऐसे संडे है
तो जी नहीं मैं सर थोड़ा बीच में दिखा दूंगी, मतलब मैं वमन का मुझे काफी थोड़ा सा रहता था, मैंने पहले विरेचन तो कराया सर काफी, और वमन मैंने 2-3 बार ही कराया, ज्यादा नहीं कराया, तो सर का भी बीच में मैंने एक लेक्चर। तो आप अभी क्या करिए, सर को फोन करिए, जोशी सर को, वो जूम ऑन कर देंगे क्योंकि जूम का कंट्रोल सर के हाथ में है, आईडी पासवर्ड, तो फिर सर कर देंगे तो हम आ जाएंगे, हम देख लेंगे। ठीक ठीक है सर, फिर आप गाइड कर सकते हैं ना थोड़ा, अगर उसमें कुछ है, कुछ मिस्टेक है कहीं कुछ भी ऐसे तो सर। जी सर, और सर जैसे अभी मैम ने बताया तो इन उत्तर बस्ती का मेरा भी सर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, इन कंटिनेंस ऑफ यूरिन के बहुत सारे फीमेल्स में मैंने उत्तर बस्ती सर दी है, मैम के, तामिनी मैम के बहुत सारे लेक्चर मैंने सुने, तो उससे मोटिवेशन मिला सर बहुत, मीन्स 99% पेशेंट्स में मुझे उत्तर बस्ती का रिजल्ट मिला, और मैंने उनको कोक्षराधी गूगल और चंद्रप्रभा पेशेंट्स को स्टार्ट किए साथ में, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 or 5 टाइम्स उत्तरवस्थी मुझे करनी पड़ी। योनि मार्ग से दिया कि मूत्र मार्ग से दिया? मूत्र मार्ग से दिया सर जी। और कितना मात्रा में दिया सर? 30 ml जी। और कौन सा कैथेटर यूज किया आपने? सर मैंने जो कैथेटर यूज किया, जो हमारी उसके लिए आती है ना सर एनजी ट्यूब आती है, जो स्टर्ल होती है पूरा जी, जी वो यूज किया सर, 9 नंबर और जी। अच्छा, आपको भजन आते हैं, प्रेयर्स आते हैं क्या गाने में? सर थोड़ा, मैं सर ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हूँ तो थोड़े बहुत आते हैं सर। भजन गा दीजिए ना प्लीज। जी जी सर, एक भजन गा दीजिए, फिर कुलविंदर कौर मैम गाएंगी, फिर पवन जी गाएंगे। जी सर, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, जीवन की राहों में तुझसे उजेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, सब थोड़ा ही आता है जी। ठीक है, कुलविंदर कौर मैम आप गाएंगी क्या, या पवन जी, पूजा मैम? थैंक यू सर, थैंक यू। कुलविंदर कौर मैं शांति पाठ कर दूंगा सर। आप तो करेंगे, कोई और करना चाहता है तो कर सकते हैं जी। मुझे सक्सेना सर का भी प्रेयर सुनने का मन कर रहा है, सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर। मैंने कुछ लिखा था, मैं किसी दिन सुनाऊंगा सर। हाँ सर ठीक है। कंचन मैम आप गाना चाहते हैं तो गाइए। आकांक्षा मैम जी सर, प्रणाम सर, मराठी है सर, चलिए मराठी में गाइए प्रेयर। देहाची तिजोरी भक्तीचा ठेवा, उघडदार देवा, उघडदार देवा, उघडदार देवा, पिते दूध डोळे मिटुनी, जात माजराची मनी चोरट्याचा कारे, भीती चांदण्या सरावल्या हाता नाही, कंप का सुटा देवा, उजेडात होते पुण्य अंधारात पाप, त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप, दुष्ट दुर्जनांची केसी घडे लोक सेवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, स्वार्थ जनू भिंती वरजा आरसा बिलोरी, आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी, घडोघडी अपराधांचा तोल सावरावा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, तुझा आती पांडुरंगा,
तिजोरी फुटावी मुक्तपने भक्ति माझी तुझी तू लुटावी मार्ग तुझा राऊळाचा मला आकळावा उघडदार देवा आता उघडदार देवा भलेपणासाठी कोणी बुरेपणा केला बंधनात असुनी वेडा जगी मुक्त झाला आपुल्याच सोख्या लागी करी तो हेवा उघडदार देवा देवा जी सर इसका मीनिंग तो बता दीजिए सर मतलब कि ये जैसे हम बोलते हैं कि भगवान अभी तो अपना दरवाजा खोल क्योंकि यहाँ पे जो भी दुष्ट लोग हैं उनको सब अच्छा अच्छा मिल रहा है क्योंकि हम देखते हैं कि जो बिल्ली होती है वो आंखें बंद करके दूध पी रही है उसको लगता है कि मैं पी रही हूँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा है बहुत सारे जैसे दुर्जन लोग होते हैं वो बहुत बुरा कुछ करते हैं पर उनकी लोग सेवा कर रहे हैं तो इन लोगों को तो देख अपना दरवाजा खोल और हम लोगों की तरफ देख मतलब ऐसे हर एक स्टैंजा में उन्होंने पूरा समझाया है कि सब बाकी लोग कितना बुरा कर रहे हैं तू अभी देख हम लोगों की तरफ देख कि अच्छा जो कर रहे हैं उनका अच्छा नहीं हो रहा है बुरा कर रहे हैं तो बुरे लोगों के साथ बुरे लोगों के लिए लोग मतलब हाथ जोड़ के खड़े हैं तो आप दरवाजा खोल अब आपका ऐसे ऐसे बीटिंग है सर जी बहुत बढ़िया आपने गाया और मंगला मैम आपको भी थैंक यू आपने भी बहुत अच्छा गाया ठीक है और ये कुलविंदर कौर मैम आप गाएंगी कि पवन जी को बोले हम कुलविंदर कौर मैम सुन पा रही है क्या नहीं तो अभी पवन जी आप ही गा दीजिए सर पवन जी डॉक्टर पवन जी सुन पा रहे हैं क्या जी सर जी जी जी, जी जी आप अंजना मैम और कामनी मैम के लिए कुछ तो बोल दीजिए ना दो शब्द मीठा मीठा वही है सर अपने जो बस वही निकला नया कुछ लिख नहीं पाया जरूरी नहीं कि कविता बहुत ज्यादा बिजी थे जी जी बोलिए मैम तो मैं अंजना मैम और उसके तो मतलब आत्मा है सर ये हमारे आयुष दर्पण की जी ठीक है आगे बढ़िए बताइए कुलविंदर को सर मैं गा रही हूँ आप गाइए फिर पवन जी को बोलेंगे ठीक है सर जा तू मेरे वल है ता क्या मोचंदा तू सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा जा तू मेरे वल है ता क्या मोचंदा तू सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा लक्ष्मी तोट ना आवई खाए खर चरहंदा लख चौरासी मेदनी कर सेव करंदा ए वैरी मित सब कीतियां ले मंगे मंदा लेखा कोई ना पूछई जा हर बखसंदा लेखा कोई ना पूछे जे हर बखसंदा आनंद पिया सुख पाया आनंद पिया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारी सबे काज सवारी जा तुद पावंदा सबे काज सवारिये जा तुद पावंदा सर ये इतना ही आता है मुझे इसका मीनिंग तो बताइए
मीनिंग बता दीजिए सर. इसका मीनिंग है जातू मेरे वल है ता क्या मोचंदा, यानी कि परमात्मा अगर हमारी तरफ है तो मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है, कोई तोट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता. मैं हर चीज से मतलब बेफिक्र हो सकती हूँ क्योंकि उसको मेरी चिंता है और वो मेरे साथ है तो फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं है. जा तू मेरे वल है ता क्या मोचंदा, तू सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा. कि मेरे को इतने पदार्थ तूने दिए हुए हैं और पर मैं कौन हूँ, मैं खुद तेरा ही इंसान हूँ. तूने इतना कुछ मुझे दे दिया है लेकिन मैं तो तेरा ही हूँ. आनंद प्यास सुख पाया मिल गुरु गोविंदा, सब पे काश सवारी है जा तुत पावंदा. और जब मैं गोविंद को परमात्मा को जब मैं मिलता हूँ तो मेरे मन में एक अलग सी प्रसन्नता हो जाती है और मेरे सारे काज सबे काज सवारी है, मेरे सारे काज अपने आप सवर जाते हैं, खुद ब खुद से सब कुछ होने लग जाता है. मुझे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, बस एक बारी तुम्हारी ओट के सहारे मतलब सब कुछ मैं कर लूं, अपने आप सारे काम सीधे पड़ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती. सर ये इसका मतलब है. बहुत बढ़िया. आप कहाँ कहाँ से लाती हैं इतना बढ़िया बढ़िया चीजें बताती हैं डेली मैडम? ये सब्बे का सवार मेरे को थोड़ी सब्बे का सवार क्योंकि मैं गाती रहती हूँ. सबके काज नहीं होगा मैडम यहाँ पर? सबके सबे काज सवारी है, सारे काज सबे नहीं, सबके नहीं है, सबे काज. अच्छा, सबे मीन्स सारे काज, ऑल ऑल जितने भी, सबे मीन्स फॉर ऑल, सारे काज जितने भी तुम्हारे काम है वो सब कुछ बढ़िया से हो सकते हैं. मतलब अगर हम सारा कुछ उसके ऊपर ही छोड़ दें कि अब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम भगवान के ऊपर भी तो छोड़ते हैं ना सारा कुछ, हम तो सिर्फ मेडिसिन देख सकते हैं. जैसे जैसे इसमें बोलते हैं ना तेरे भाणे सर्वदा भला, तो जी हाँ जी सब उसमें ये है कि तेरे भाणे मतलब तेरी मतलब भाणे मतलब तेरी ओट आसरे में सभी का भला हो. हाँ वो अरदास करते हैं कि सभी का भला होना चाहिए, चाहे वो कोई दुश्मन है चाहे वो कोई अपना है, लेकिन भला सबका होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं. कल अरदास करेंगे, मुझे भी आते हैं साथ में करेंगे. अच्छा आपका तो हमें सुनना है, आप कैसे करती हैं? हम अरविंद सर आपने कभी भी नहीं कुछ सुनाया. अच्छा मैं एक साल से क्या सुना रहा हूँ सर, हमें कोई सॉन्ग भी सुनना सर आपसे. आयुर्वेदिक का ही सुना देना. मैं आयुर्वेद सिखा सकता हूँ, मुझे गाना उना नहीं आता. सर हम आपके साथ गा लेंगे. जी ठीक है. पवन जी आप गाइए प्लीज. मैं वो बस पाठ कर दे सर, टाइम हो गया 9:40 हो गया. ठीक है ठीक है सर. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्. ॐ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ॐ तवमेव माता च पिता तवमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्याद्रविणं तवमेव तवमेव सर्वं मम देव देव. ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति सामा शांति रेवा शांति रेधि. ओम शांति ही शांति ही शांति. ओम सभी वैद्य गुणों को शुभ रात्रि सब बखैर. जी तो अभी हम सेशन बंद करते हैं. अंजना मैम कामनी मैम आप बताइए बंद कर दें. शुभ रात्रि सबको.
ठीक है, फिर कल मिलेंगे। शुभ रात्रि अंजना मैम। शुभ रात्रि सर, सभी लोगों को शुभ रात्रि। सुबह की क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी है, संडे को एक दिन छुट्टी। जी सर, जी नमस्कार सर, शाम को मिलते हैं। शाम को मिलते हैं जी, प्रणाम सभी।